दोस्तों, और कुछ बातें मैं इस सीए से रिलेटेड आपको बता देना चाहता हूँ। यदि हम डिस्कस करें ये रोहिंग्या का मसला, तो है क्या दरअसल? आई मीन, व्हाट अबाउट द रोहिंग्या मुस्लिम्स? व्हाई इंडियन मुस्लिम्स वांट्स टू गिव द सिटीजनशिप टू म्यांमार बर्मीज रोहिंग्यास? सी द जो म्यांमार की आप यदि बॉर्डर देखेंगे, तो यहाँ पर मेंडले पड़ता है। मेंडले जो कि वहाँ बुद्धों का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, जो वहाँ के सबसे बड़े, जो जिनकी वजह से पूरा रोहिंग्या का मसला चालू हुआ, जिसे बोल सकते हैं, जैसे वेस्ट साइड में न्यूज़पेपर आर्टिकल में उनको बोला जाता है द एक्सट्रीमिस्ट मॉन्क। आशिन विरातू के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने जो एक कुछ बातें बोली, जैसे कि ये ट्विटर अकाउंट में आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला कि जब तक मुसलमान कमज़ोर है तब तक ही वो अच्छे से रहता है, जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ऐसे जैकल, भेड़ियों की तरह शिकार करते हैं, और वो किसी भी धर्म के लोगों को इंसान नहीं मानते, चाहे वो बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग हों, चाहे हिंदुज़म फॉलो करने वाले लोग हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, वो किसी को भी इंसान नहीं मानते। तो आप ये देखेंगे, ये रखाइन स्टेट कहलाता है। ये जो आप बॉर्डर देखेंगे, ये पूरा का पूरा एरिया ये रखाइन स्टेट है। तो 1980s में भी ये, जब ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स का मसला, ये बार बार होता रहा है म्यांमार में। तो जब भी ये भाग के यहाँ, ये बांग्लादेश है, तो ये आप देखेंगे, ये जो एरिया है, ये ग्रीन साइड का, ये रखाइन है। तो यहाँ से ये एंटर करते हैं यहाँ पर कॉक्स बाजार, जो कि बहुत बड़ा एक आप स्लम बोल सकते हैं एशिया का। यहाँ पर एंटर करते हैं, और यहाँ के बाद ये कुछ कुछ यहाँ से बांग्लादेशी गवर्नमेंट का सपोर्ट रखता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये शिलोंग, गुवाहाटी और मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर एंटर कर जाते हैं। इसलिए क्या, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की पूरी स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश वाले एरिया से लगी हुई हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 1980s में भी यहाँ से, म्यांमार से, ये बुद्धों के द्वारा भगाए गए थे रोहिंग्या मुस्लिम्स, ये चले गए थे। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला उनको आने के लिए, जब पीस अकॉर्ड साइन हुआ तब ये वापस आए। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जब हुआ, तो अब की बार उन्होंने, हमारे सेना ने यहाँ पर बांग्लादेश बॉर्डर के पास पूरे के पूरे डायनामाइट्स बिछा दिए, कहते हैं कि अब इसलिए वो लोग वापस नहीं आते म्यांमार में। तो वो यहाँ से एंटर तो कर गए बांग्लादेश में, उसके बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो पुश किया, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में फैले, और हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो थी पुरानी, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ से अभी आपने देखा होगा कि पठानकोट का ब्लास्ट हुआ जम्मू कश्मीर में, चाहे केरला में, जब ये कैप का मसला साइन हो रहा था आसाम में, तब RPF रेलवेज ने बोला था कि बहुत सारे रोहिंग्यास हैं जो केरला की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया से। तो ये इजीली आइडेंटिफाई करता है कि कैसे जो साउथ के स्टेट्स इंडिया के, वो एक हब बन चुके हैं नक्सल्स, एंटी नेशनल्स और फॉरेन फंडिंग लोगों का। तो यहाँ से जो म्यांमार से जब एंटर करते हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश से पुश होके कोलकाता में भी पहुंच गए हैं। अभी आपने देखो कितना अपोजिशन हुआ वेस्ट बंगाल की तरफ, वो सब इसी कारण था कि यहाँ पर मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट्स ही हैं, ये भारत के नागरिक नहीं हैं। या तो म्यांमार से आके बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में आए हैं, या फिर बांग्लादेशी ही हैं जो 1971 से लगातार इंडिया में आते रहे हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान की बात, ये पाकिस्तान है। अब यहाँ से हमें पता है, जब भी कोई इलीगल आदमी आता है, या तो गन के साथ आता है, वो हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा मारा जाता है। और 2012-13 के पहले जो एक समझौता एक्सप्रेस चलती थी, या भुज और पाकिस्तान के रावलपिंडी के बीच में ट्रेन चलती थी, तो उससे बहुत सारे दर्शन करने वाले लोग निजामुद्दीन की दरगाह में दिल्ली में आते थे, कुछ ऑपरेशन के बहाने आते थे। तो पहले की गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और ये कुछ 10-15 दिन के वीज़ा के लिए आते थे, उसके बाद ये परमानेंटली ही इंडिया में रह जाते थे। तो अब आप देखेंगे कि कोई भी आप सिटी लें, यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका होगा,
मुस्लिम बहुल इलाके में कौन कैसा है, कहाँ का इंडिया का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का है, म्यांमार का है, किसी को पता नहीं सकते, समझ रहे हैं? क्योंकि वो सबके सब एक जैसे ही दिखते हैं। हैदराबाद को देख लीजिए, ओवैसी क्यों जीत पा रहा है वहां से हमेशा के लिए, क्योंकि वो एक हब बन चुका है। दिल्ली की ही आप घटना देख लीजिए, जब किसी कैंडिडेट को 80 से 90% वोट्स मिलते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आप समझ सकते हैं कि ये मसला क्या है। सो लीगल पीपल फ्रॉम म्यांमार हैव एंटर्ड बांग्लादेश, फ्रॉम बांग्लादेश इट हैव एंटर्ड ऑल ओवर टू इंडिया। तो अब इनको किसी ना किसी बहाने आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अब कभी ना कभी हमारे यहाँ, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में हुआ, रोहिंग्यास की बस्तियां पाई गई इस इलाके के आसपास, जो कि एक स्लीपर सेल की तरह काम किए। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया फ्रॉम 1947 टिल नाउ हु आर द इलीगल पीपल। सो अब इंडियन मुस्लिम्स को यह दिक्कत है कि वाई यू आर नॉट इंक्लूडिंग द अहमदियाज एंड अदर मुस्लिम। यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम कि जब भी पाकिस्तान से कोई मुस्लिम आया है, यदि कोई गलत मसले से आया है, जिन्हें हम लैंग्वेज में स्लीपर सेल्स बोलते हैं, तो यहाँ कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है। और आप जानते हैं कि पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात की पूरी बॉर्डर पर BSF इंडियन आर्मी है, तो कोई भी रिस्क लेकर तो आएगा नहीं। जब कोई बहुत परेशान हो गया होगा वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ के लोगों से, तभी वो कैसे ना कैसे गलत तरीके से आया होगा, और उन्हीं को हम इस कैब के थ्रू सिटीजनशिप देने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर इतनी आबादी दिल्ली के लोगों की हो गई है ममता बनर्जी के अंडर, कि अब वहाँ पर जो ट्रेनें चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, सेम 2012 के टाइम पे असम कोकराझार दंगों में हुआ, वहाँ पर बोडो जनजाति और इलीगल मुस्लिमों के बीच बहुत लड़ाई हुई। तो वहाँ पे जब से असम में गवर्नमेंट आई है, तब से नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई है, तब से उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उन्हें ही पता है कि उनकी लैंड को ऑक्यूपाई किया गया, उनके जानवर को ऑक्यूपाई किया गया है, और जो यहाँ पर आए, क्योंकि असम, नागालैंड, मेघालय ये अधिसूचित जनजाति के लोगों का है, ये वहाँ के पर्टिकुलर लोगों का है, और यदि वहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, तो आप समझिए वो इंडिया के लोग नहीं है, वो यहीं कहीं से आकर यहाँ बसे हुए लोग हैं। देख सकते हैं केरला में, तमिलनाडु में, यहाँ पर भी बहुत सारे, जैसे अभी दामोदर मरकज का मामला, कितने नॉन आइडेंटिफाइड लोग वहाँ पर पाए गए, बाहर से आकर रह रहे थे, गवर्नमेंट को भनक भी नहीं लगी। तो केरला का मलप्पुरम एरिया हुआ, सुलिया, कर्नाटक का भटकल, वेस्ट बंगाल का हुगली और कोलकाता मेन, 24 परगना, नॉर्थ परगना, ये सारे एरिया, गुजरात में भी आपने देखा, तो ये सब एरिया है जहाँ कुछ ना कुछ बस्तियाँ मुसलमान को ऐसी हो गई हैं कि यहाँ पर आप पता नहीं लगा पाएंगे कौन इंडिया का है कौन नहीं है। तो इसलिए सरकार डॉक्यूमेंट्स मांगती है, और डॉक्यूमेंट्स किसी इंडियन को देने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए।